इधर पूरी दुनिया वर्ल्ड कप का जश्न मना रही थी, उधर मोहम्मद शमी कर रहे थे खतरनाक प्रैक्टिस। मैदान में उतरने से पहले शमी ने लगाए इतने लंबे लंबे छक्के, रोहित विराट भी देखते रह गए। मोहम्मद शमी ने अचानक गेंदबाजी छोड़कर थाम लिया बल्ला, वीडियो ने मचाई सनसनी। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से बाहर है। उन्हें आखिरी बार पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मैदान पर देखा गया था, जहां फाइनल मैच के बाद उनके पैर में चोट लग गई थी। तब से वो क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। लेकिन हाल ही में शमी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मैदान पर कहर बरपाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वो गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से गर्दा उड़ा रहे हैं। ऐसे में वीडियो देखकर अब फैंस को ये अंदाजा लगने लगा है कि शमी अब बल्लेबाज के तौर पर भी टीम इंडिया में वापसी करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में मोहम्मद शमी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो खाली मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां मैदान में उनका करिश्मा देखने को मिल रहा है, लेकिन शमी का करिश्मा गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से देखने को मिला है। यही वजह है कि वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन भी दिया, बॉलर टर्न्ड इनटू बैट्समैन, नेट हीरोइक्स। जिस तरह से शमी लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे हैं उसे देखकर तो गेंदबाज भी खौफ खा जाएंगे, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर आप बखूबी लगा सकते हैं। इस दौरान वो हिटमैन की तरह लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। शमी की बल्लेबाजी और लंबे शॉट्स लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। अगर शमी की टीम इंडिया में वापसी की बात करें तो इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो पूरी तरीके से फिट होकर कब मैदान पर वापसी करेंगे। फिलहाल मोहम्मद शमी लंदन में सर्जरी कराने के बाद एनसीए में रिकवरी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शमी की वापसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हो सकती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शमी की भारतीय टीम में वापसी जल्द बताई जा रही है। माना जा रहा है कि तेज गेंदबाज सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी कर सकते हैं। शमी की टीम इंडिया में वापसी कब होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान चोटिल हो जाने के कारण वो लगभग 7 महीनों से टीम से बाहर हैं। उन्हें एक्शन में देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी काफी बेताब हैं। इस कड़ी में मोहम्मद शमी की हेल्थ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, लेकिन इस खबर ने टीम इंडिया के खिलाड़ी की परेशानियों को भी बढ़ा दिया। दरअसल बीते दिन यानी शनिवार को खबर आई कि टीम इंडिया के थाकड़ गेंदबाज मोहम्मद शमी जल्दी मैदान पर वापसी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एनसीए में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो इस समय ब्रेक पर हैं, लेकिन वो जल्दी रिहैब में लौट जाएंगे। मोहम्मद शमी की वापसी से टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज का पत्ता कट सकता है। कहा जा रहा है कि बैक टू बैक फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से इस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि खूंखार गेंदबाज मोहम्मद सिराज है। अपने पिछले कुछ मैच में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, इस वजह से उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच से ही प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया था। वहीं मोहम्मद शमी की वापसी उनकी परेशानियों को बढ़ा सकती है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारतीय टीम को कई द्विपक्षीय सीरीज खेलनी है, जिनमें से कुछ भारत और कुछ विदेश में खेली जाएंगी। तो अब देखना होगा मोहम्मद शमी कब तक मैदान पर वापसी करेंगे। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।